हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के एक बहुत ही प्यारे तरह के प्रश्न के बारे में। साथ ही हम अर्थ जगत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टर्म लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एसेट के बारे में। तो चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जाम्बिया एक्सेंट जो है इसे बोलने का जाम्बिया भी हो सकता है का कोड URGTWR हो तथा कनाडा का कोड VRYRSR हो तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया का कोड क्या होगा। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस तरह का है, इसमें क्या है, हमें कोड दिए होते हैं और इसमें कोई ऐसा पैटर्न, निश्चित पैटर्न नहीं होता है। केवल और केवल इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें जो भी लेटर दे रखा है, जैसे जे है तो इसका कोड हमें ये दे रखा है, तो इसका मतलब है जे के लिए किस कोड का यूज किया गया है, यू कोड का यूज किया गया है। इसीलिए ए के लिए कोड यूज किया गया है, आर यूज किया गया है। इसीलिए इसी तरीके से एम के लिए जी का कोड यूज किया गया है, बी के लिए टी का कोड यूज किया है। तो यहाँ कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। साथ ही हमें एक और उदाहरण दे रखा है कैनेडा, उसके लिए जो कोड यूज कर रखा है VRYRSR यूज किया गया है। तो यहाँ पर के जो है वो किससे कनेक्ट है, वी से कनेक्ट है। ए के लिए कोड फिर से देखिए आर है। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटीज हमें देखनी होती हैं और उसके आधार पे हम बहुत आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया का कोड क्या होगा। देखिए आई है तो हमें ये फाइंड करना है कि जो हमें उदाहरण दे रखे हैं उसमें आई के लिए किस कोड का यूज किया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए आई यहाँ पर है तो आई के लिए जो कोड यूज हुआ है वो यूज हुआ है डब्ल्यू। तो यहाँ पर इंडिया में आई के लिए क्या कोड यूज होगा, डब्ल्यू कोड यूज होगा। इसी तरीके से हम एन के लिए देखते हैं, एन के लिए देखिए एन यहाँ पर है दूसरे हमारे एग्जाम्पल में, तो एन के लिए जो कोड यूज हुआ है वो तीसरा कोड यूज हुआ है, दैट इज वाई। तो एन के लिए कोड हो जाएगा वाई। इसी तरीके से डी के लिए अगर हम जाएं तो डी के लिए जो कोड यूज हुआ है सेकेंड लास्ट एस यूज हुआ है, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। अगेन आई के लिए हमारा जो कोड है वो डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। और लास्ट ए के लिए हमारा कोड क्या है, देखिए इस लेटर में हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ए के लिए आर यूज हुआ है, तो यहाँ पर आर आपका कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया का कोड हो गया डब्ल्यू वाई एस डब्ल्यू आर, तो ये हो गया कोड। तो अब हम बात करते हैं लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। और इस चीज़ को हमने इस क्लास में क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप लोग समृद्ध हों, सक्षम हों। तो उसी से संबंधित ये दो टर्म्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दुनिया के जितने भी काम हैं उनको हम केवल और केवल दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक लायबिलिटीज में और एक एसेट्स में। अब लायबिलिटी क्या होती है, ये वो काम होते हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालते हैं, और एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसे डालती हैं। तो हमारा आपसे आग्रह ये है कि आप एसेट्स जनरेट करिए जितने आप कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ जितना हो सके उन्हें अवॉइड करिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि इनको पहचानना और इनको जनरेट करना। तो लायबिलिटीज़ हम कहेंगे कि आप जितना कम हो सके उतना कम करिए और एसेट्स जितने ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे आगे की क्लासेस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक का कोड BHFNK लिखा जाता है तो क्लर्क उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है इस दृष्टिकोण से कि इसमें जो कोडिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग यूज किया गया है। पहले पैटर्न को हम समझते हैं। देखिए हमने लॉजिक वर्ड लिखा और उसके कोड को यहाँ लिख दिया है, और साथ ही इन लेटर्स की अल्फाबेट्स में जो पोजीशन होती है वो हमने लिख दिया। तो एल की पोजीशन होती है 12th पोजीशन होती है, ओ की 15, जी की 7, आई की 9, सी की 3, और इसी तरीके से इन लेटर्स की हमने अल्फाबेट्स में पोजीशन लिख रखी है। अब देखिए इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि इनमें किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एल की जो पोजीशन है वो 12th पोजीशन है और बी की पोजीशन है 2। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एल यहाँ लाई कर रहा है और बी यहाँ लाई कर रहा है। तो अगर हम दोनों के डिफरेंसेस को देखें, जो हम जनरली करते हैं जिस तरीके से हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम इनमें देखेंगे कि लगभग इनकी पोजीशन में 10 पोजीशंस का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टू लेटर्स को देखें, ओ को और उसके रिगार्डिंग जो उससे रिस्पेक्ट में एच है उसको अगर हम देखते हैं तो ओ और एच आपस में रिलेट हुए हैं। तो ओ और एच की पोजिशन क्या है, 15 और
8 है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो यहां देखिए जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का है। फिर जो O और H में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 7 का है। उसके बाद अगर हम देखें G और F में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो 1 का है। तो हम यहां देख रहे हैं कि इनके पोजिशंस में ना तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ना ही प्लस का रिलेशन है, ना ही डिफरेंस का रिलेशन है, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है स्पेसिफिक। तो इसका मतलब है यहां जो पैटर्न यूज किया गया है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप इस चीज को देखते हैं। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें, जैसे ये 12th पोजिशन है, अगर हम लास्ट लेटर को देखें तो ये 11th पोजिशन है। तो हम यहां देख रहे हैं कि एल और क्या के में कोई रिलेशन हो सकता है। तो ठीक है, आगे इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम ओ की पोजीशन देख रहे हैं, हम 15th पोजीशन है, उसके रिस्पेक्ट में एन की जो पोजीशन है वो 14th है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 12 और 11 में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, -1 का रिलेशन है। मतलब यहां का जो लेटर है इससे जस्ट पीछे है एक पोजीशन। ऐसे हम ओ और एन में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो ओ जो है वो उसके पीछे वाले लेटर N को लिया गया है यहां पर कोडिंग में। इसी तरीके से अगर हम देखें G और F में जो रिलेशन है वो भी -1 का है। तो -1 का रिलेशन हम देख रहे हैं कि सभी लेटर्स में है। इसका मतलब है यहां पर जो है लास्ट लेटर को लेकर कोडिंग की गई है। तो इसी के बेसिस पर अब हमें पैटर्न पता चल गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम पहले की क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैटर्न को ढूंढना। पैटर्न हमने ढूंढ लिया है, किसी भी तरीके का पैटर्न होता है उसको फाइंड करना महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद कोडिंग की जाएगी। तो क्लियर कि इसी के आधार पर जो आपकी कोडिंग होगी वो क्या होगी, देखिए। तो लास्ट लेटर से हम शुरू करते हैं। लास्ट लेटर सी से एक पीछे का हम लेटर ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी तरीके से हम एल से ठीक पीछे का लेटर ले लेंगे, एल से ठीक पहले है आपका के, तो यहां के आ जाएगा। इसी तरीके से ई से ठीक पीछे का लेटर है आपका डी, तो यहां आ जाएगा डी आ जाएगा। आर के जस्ट पीछे का लेटर है आपका क्यू, तो ये आ गया क्यू। नेक्स्ट सिमिलरली के पीछे का ठीक लेटर है वो क्या है, जे है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लर्क के लिए जो कोड है वो क्या है, जे क्यू डी के बी है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्विज का कोड SCIH हो तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक का कोड क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है और काफ़ी अच्छी लॉजिक इसमें यूज की गई है इसके कोड को बनाने में। तो देखिए क्यू यू आई जेड ये लेटर्स हमें दे रखे हैं और इनकी हमने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो इनकी पोजीशन है वो हमने लिख ली। तो क्यू की जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो होती है 17। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपके ये 2 डिजिट नंबर हैं इनके डिजिट्स को ऐड कर दिया गया है। तो 1 + 7 = 8 हो गया, 8th पोजीशन होती है हमारे एच लेटर की। तो देखिए उसके क्यू के लिए कोड इस तरीके से जनरेट किया गया है एच। इसी तरीके से यू की हम बात करें तो यू के जो पोजीशन है वो है 21 के डिजिट्स का सम कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये थर्ड लेटर जो है वह क्या है, सी जनरेट किया गया इसी तरीके से। अब 9 जो है, आई की पोजीशन होती है 9, ये सिंगल डिजिट वर्ड है तो इसकी पोजीशन 9 ही रही, तो इसके लिए सीधे सीधे ये आई में ही कन्वर्ट रहा। जेड की बात करें तो जेड में जो डिजिट्स हैं वो 2 और 6 हैं, इनका हमने सम कर दिया, ये होता है 8। तो 8th पोजीशन किसकी होती है, एच की। तो इस तरीके से क्विज के लिए जो कोड जनरेट किए गए हैं, तो इसी के आधार पे अब हम क्या करेंगे, पिंक जो लेटर हमें दिया है उसके कोड को हम फाइंड करेंगे। तो देखिए पिंक लेटर जो है इसको हमने, इनके लेटर्स को हमने लिख लिया। अब इनकी हम पोजीशन देखेंगे, जो पी की पोजीशन होती है ये आफ्टर ओ होती है, तो ये होती है 16th पोजीशन। आई की पोजीशन आपकी 9 ही है और एन की जो पोजीशन है वो है 14th और के की जो पोजीशन है वो होती है 11th पोजीशन। आप क्या करते हैं, इनके कोड को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे। तो 1 + 6 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 7। तो 7th पोजीशन किसकी होती है, आपकी जी की होती है। तो पी के रिस्पेक्ट में जो लेटर है, जो कोड है
रूल के बेसिस पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसी तरीके से आई सिंगल डिजिट पोजीशन है इसकी, सिंगल डिजिट की, तो आई आई ही रहेगा, नाइन नाइन ही रहेगा। इसी तरीके से एन के लिए अगर हम देखें तो एन में टू डिजिट्स हैं, तो वन प्लस फोर हम कर देंगे, ये आ गया फाइव, तो फाइव क्या होता है, ई की पोजीशन होती है फाइव। लास्ट के की बात करें तो इसके डिजिट्स का जो सम होगा, वन प्लस वन टू हो गया, टू पोजीशन होती है आपकी डी की। तो फाइनली हमारे पास पिंक के लिए कोड जो आ गया वो क्या है, जी आई ई बी। तो इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये अलग तरह के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए आर यू एल का कोड 52 हो तो उसी कूट भाषा में बी आई एन ए का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग जो है वो नंबर्स पे स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं सिंपल सा इसका एक लॉजिक निकलता है कि जो हमें लेटर दे रखा है उनकी हम पोजीशंस लिख लें और उनकी पोजीशंस को हम ऐड करके देख लें, क्योंकि लेटर्स से जो अगर नंबर आ रहे हैं हमारे पास तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन से ही वो रिलेट होगा। तो चलिए इसी के आधार पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए की हमने पोजीशन लिख दी है, अल्फाबेट्स में वन होती है, आर की पोजीशन वो 18 है, यू की पोजीशन है आपकी 21 और एल की पोजीशन है 12 है। अब इन सारे पोजिशंस को, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि क्या आ रहा, हमारा सम क्या आ रहा है। 9, 2, 10, 10 and 2, 12, 1, 2, 4, 5, सो इट्स 52। तो देखिए यहाँ पर जो हमने गैस किया था उसी के आधार पे जो है कोड किया गया है, जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस को ऐड करके जो कोड जनरेट किया गया। तो इसी आधार पे जो है हमारा जो वर्ड है बी आई एन ए, इसको भी हम फाइंड करेंगे इसके कोड को। तो बी की पोजीशन हमें पता है कि 2 होती है, सेकेंड प्लेस पे होता है अल्फाबेट्स में, और आई की बात करें तो आई है, इसकी पोजीशन होती है 9 पोजीशन, 9th पोजीशन होती है, एन की जो पोजीशन होती है वो 14th पोजीशन होती है, और ए की पोजीशन जो है वह क्या है आपका 1 है। अब इनको हम सम कर लेते हैं, एंड दिस इज 26। तो बिना के लिए बी आई एन ए के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 26। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।